आप बैठिए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि किस नियम के तहत आप खड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा का संचालन नियमावली के किस नियम के तहत आप लोग खड़े हुए हैं बिना अध्यक्ष के इजाजत के? बैठिए, मैं कहता हूँ कि आप बैठिए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के बीच में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आग बबूले हो गए और बीच सदन में ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बीजेपी विधायकों से कहने लगे कि आप चुपचाप बैठ जाइए, आप इस तरीके से खड़े कैसे हो गए। एक बार देखिए किस तरीके से अवध बिहारी चौधरी जो है वो बीजेपी विधायकों से कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप चुपचाप बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अरे आप भाई रुक जाओ, आप अपना आंदोलन करें। माननीय सदस्य रुक जाओ, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य को बोलने दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार की बात हो रही है, बात सुनिए, तब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। एक बार भी कोई बीजेपी का लोग नहीं बोलता कि 2 करोड़ नौकरी कहा गया, 18 करोड़ नौकरी कहा गया देशवासियों का। ये शोभा नेता प्रतिपक्ष ये शोभा नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, आप बार बार खड़ा हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि किस नियम के तहत आप खड़े हुए हैं, वो नियम बताइए। होता है किस नियम के तहत आप लोग खड़े हुए हैं बिहार विधानसभा का संचालन नियमावली के किस नियम के तहत आप लोग खड़े हुए हैं बिना अध्यक्ष के इजाजत के, बताइए। आपको अगर ज्ञान है तो अरे बैठिए, आप बैठिए, जगह लीजिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। आप बिना इजाजत के खड़े हो जाते हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष बोले, सब लोगों ने सुना, अब वो बोल रहे हैं, आप उठ उठ करके ठोक रहे हैं। सरावगी जी, आचरण ठीक नहीं है। आप बैठिए, आप जगह लीजिए। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, मैं कहता हूं कि आप बैठिए, ये बात ठीक नहीं है। कोई बोल रहा है, नेता विरोधी पक्ष बोले, खूब लोगों ने सुना, और आपके कोई बोलेंगे उनका भी लोग सुनेगा। अध्यक्ष महोदय सुनिए, एक मिनट सुन लिए, नेता प्रतिपक्ष का ये देखिए। अध्यक्ष महोदय, सदन में विमर्श का बहुत महत्व है और शांति से सबको सुनना चाहिए। हमारी बातों से आपको किसी तरह से आघात भी लगे तो उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए, और हमारे कई बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, उनसे भी सीखना चाहिए। कोई बोलता है, नए लोग या पुराने लोग, तो हो सकता है कुछ अच्छी बातें सदन के लिए हो न हो, बिहार के हित में हो, तो इसको लेना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष को संयम रखने की जरूरत है। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बीच सदन में ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, बीजेपी विधायकों से कहने लगे कि आप किस नियमावली के तहत ऐसे खड़े हो गए हैं और आप चुपचाप बैठ जाइए। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायकों से यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी है, उस समय हम सभी जो है वो सुन रहे थे, जो सत्ताधारी है वह भी सुन रहे थे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो आप बीच बीच में इस तरीके से खड़े होकर उन्हें टोक रहे हैं। और वहीं बीजेपी विधायक जो है संजय सरावकी, उनको भी यह कहते हुए नजर आए हैं कि यह आचरण जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही, बाकी के खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।